60 बसंत देख चुका ये शख्स जज है। जी हाँ, हाई कोर्ट का जज। दिल्ली पुलिस के जवानों के सामने इसने खुद को यही बताया था और इंक्वायरी के नाम पर चला था 5 लाख रुपए वसूलने। लेकिन पुलिस तो पुलिस ठहरी, भला ऐसे शख्स की बातों में कहाँ आने वाली थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि साहब तो फर्जी जज हैं और दिल्ली के आदर्श नगर इलाके के रहने वाले हैं। नाम है नरेंद्र कुमार अग्रवाल। हमारे पुलिस ऑफिसर्स के पास एक अननोन व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आया था, जिसके अंदर एक शख्स ने अपने आप को दिल्ली हाईकोर्ट का सिटिंग जज बता के उसने बताया कि वो पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्शन पे आएगा। उसके पास एक रिट पिटीशन लगी है, उसी के इंक्वायरी के लिए वो आएगा। शाम को 5 बजे का उसने समय दिया था। इसके लिए जब वो शाम को 5 बजे अपनी एक नैनो गाड़ी में वो जब आए तो पुलिस पर्सनल से वो मिले और फिर से उन्होंने यही बात दोबारा रिपीट की कि वो हाईकोर्ट के जज हैं। उन्होंने जज का नाम बताया कि मैं हाईकोर्ट के ये सिटिंग जज हूँ और उन्होंने फिर रिट पिटीशन के लिए बोला कि आपके खिलाफ यहाँ पे एक्टिविटीज़ में रिट पिटीशन लगी है और अभी रिट पिटीशन के लिए और फ्यूचर की रिट पिटीशन के लिए अगर आप यूनियन व्यू चाहते हैं और अगर आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं तो उसने फिर 5 लाख रुपये की इसमें डिमांड की। अब पूरा माजरा समझिए। दरअसल इन्होंने खुद को हाई कोर्ट का सिटिंग जज बताकर कहा कि इनके पास एक रिट पिटीशन आई है जो कि पुलिस वालों के खिलाफ है, जिसकी इंक्वायरी के लिए ये थाने आएगा। अगर पुलिस वाले कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर दें। लेकिन पुलिस वालों को इस पर शक हुआ, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। बकौल पुलिस, कुछ दिन पहले ही इसने एक हेड कांस्टेबल को भी इसी तरह धमकाया था और उससे भी लाखों रुपए की डिमांड की थी। जब इसकी डिस्क्रीट वेरिफिकेशन किया गया तो पता चला कि ये वो हाईकोर्ट जज नहीं है और ये एक नरेंद्र कुमार अग्रवाल बंदा आदर्श नगर का रहने वाला, एज 65 ईयर पाया गया। इसने 2 दिन पहले भी हमारे एक हेड कांस्टेबल को फ़ोन करके धमकाया था कि आपके यहाँ इलीगल एक्टिविटी चल रही है और इसमें आप 5 लाख रुपए देंगे तो आपको छोड़ा जाएगा। तब भी इसने हमारे हेड कांस्टेबल को हाईकोर्ट जज बन के ही कॉल किया था, उसकी हमने डीडी एंट्री भी की थी। इस तमाम कार्रवाई को देखते हुए इम्पर्सोनेशन और एक्सटोर्शन के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके हम आगे कार्रवाई जारी कर रहे हैं। फिलहाल आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन साहब को जज बनकर पुलिस वालों पर रोब झाड़ना भारी पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।